नमस्कार, जागरण न्यूज रेल में आपका स्वागत है। पेश है दोपहर की 5 बड़ी खबरें। जसवंत सिंह के सिर में लगी चोट, हालत गंभीर। इबोला वायरस के चलते भारत के 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट। बीएसएफ जवान को आज सौंपेगा पाकिस्तान। सुषमा स्वराज से मिले अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल। अमेरिका ने दी इराक में हवाई हमले को मंजूरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता जसवंत सिंह के सिर में गहरी चोट लगी है। उन्हें धौलाकुआं स्थित आर्मी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती किया गया है। ताज़ा जानकारी के अनुसार उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। सूत्रों ने बताया कि 76 वर्षीय पूर्व रक्षा मंत्री जसवंत सिंह कल देर रात तकरीबन 11 बजे अपने आवास पर कमरे में फिसल गए, जिसकी वजह से उनके सिर में चोट लगी। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इबोला वायरस की चपेट में आकर अभी तक 4 अफ्रीकी देशों में 932 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा करीब 1000 मरीजों का विभिन्न देशों में इलाज चल रहा है। इसके मद्देनजर भारत के 5 एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। माना जा रहा है कि भारत में आने वाले विदेशियों से यह वायरस भारत में प्रवेश कर सकता है, लिहाजा इस वायरस से ग्रसित नागरिकों को एयरपोर्ट पर ही रोकने और अधिकारियों को सभी सुरक्षित उपाय बरतने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि इबोला वायरस के इलाज की अभी तक कोई भी दवा दुनिया के बाजार में उपलब्ध नहीं है। नदी में बहकर पाकिस्तान पहुंच गए भारतीय बीएसएफ जवान को पाकिस्तान आज भारत को सौंपेगा। पाकिस्तानी रेंजर्स की डीजी ने इसकी पुष्टि भी की है। बीएसएफ का जवान सत्यशील यादव बुधवार को नदी में बहकर पाकिस्तान चला गया था। भारत ने पाकिस्तानी रेंजरों के साथ कई दौर की बैठक की है। इस मामले में भारत सरकार ने पाक उप उच्चायुक्त को भी तलब किया है। सत्यशील इस वक्त पाकिस्तान के 12 चिनाव रेंजर्स के कब्जे में है। अमेरिकी रक्षा मंत्री चक हेगल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मिलने पहुंचे हैं। सुषमा स्वराज से मुलाकात के बाद हेगल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री अरुण जेटली और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि हेगल 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। हेगल के साथ गुरुवार को अमेरिकी सेना के कई उच्चाधिकारी भी भारत पहुँचे थे। हेगल के इस दौरे का मकसद अगले महीने मोदी और ओबामा की मीटिंग के लिए जमीन तैयार करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इराक में मानवीय संकट के बीच चुनिंदा जगहों पर हवाई हमले और हवाई मार्ग से सहायता पहुंचाने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने यह आदेश ISIS के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने और अमेरिकी सैनिकों के बचाव में दिया है। कल अपने संबोधन में ओबामा ने कहा कि अमेरिका आँख मूंद कर नहीं रह सकता है, जबकि वह इराकी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैन्य बलों की आवश्यकता पड़ने पर ही आतंकियों के खिलाफ हवाई हमले की स्वीकृति दी गई है।